5G സേവനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കുകയാണ് ദില്ലിയിൽ. അതിലേക്ക് और विद्वान लोग तो कहने लगे कि भारत का दशक नहीं, ये भारत की शताब्दी है. ये डेकेड नहीं, सेंचुरी है. भारत ने किस तरह 4G आने के बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऊंचाई छलांग लगाई है, इसके हम सभी साक्षी हैं. भारत के नागरिकों को जब टेक्नोलॉजी के समान अवसर मिल जाते हैं तो दुनिया में उन्हें कोई पछाड़ नहीं सकता. इसलिए आज जब भारत में 5G का लॉन्च हो रहा है तो मैं बहुत विश्वास से भरा हुआ हूं दोस्तों. मैं दूर का देख पा रहा हूं और जो सपने हमारे दिल दिमाग में चल रहे हैं उसको अपनी आंखों के सामने हम साकार होते देखेंगे. हमारे बाद वाली पीढ़ी देखेगी, ऐसा काम होने वाला नहीं है. हम ही हमारे आंखों के सामने देखने वाले. ये एक सुखद संयोग है कि कुछ सप्ताह पहले ही भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है. और इसलिए ये अवसर है हमारे युवाओं के लिए जो 5G टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया भर का ध्यान खींचने वाले इनोवेशंस कर सकते हैं. ये अवसर है हमारे एंटरप्रेनर्स के लिए जो 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपना विस्तार कर सकते हैं. ये अवसर है भारत के सामान्य मानवी के लिए जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्किल्स को सुधार सकता है, अपस्किल्स कर सकता है, रीस्किल्स कर सकता है, अपने आइडियाज को सच्चाई में बदल सकता है. साथियों, आज का है ऐतिहासिक अवसर. एक राष्ट्र के तौर पर, भारत के एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए नई प्रेरणा लेकर आया है. क्यों ना हम इस 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत के विकास को अभूतपूर्व गति दें. क्यों ना हम इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से विस्तार दें. क्यों ना हम इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी में रिकॉर्ड वृद्धि करें. साथियों, इन सवालों में हर भारतीय के लिए एक अवसर है, एक चुनौती है, एक सपना है और एक संकल्प भी है. मुझे पता है कि आज 5G की इस लॉन्चिंग को जो वर्ग सबसे ज्यादा उत्साह से देख रहा है वो मेरा युवा साथी है, मेरे देश की युवा पीढ़ी है. हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए भी कितने ही बड़े अवसर इंतजार कर रहे हैं, रोजगार के कितने ही नए अवसर बनने जा रहे हैं. मुझे विश्वास है हमारी इंडस्ट्री, हमारे इंस्टीट्यूट्स और हमारे युवा मिलकर इस दिशा में निरंतर काम करेंगे. और अभी जब मैं काफी समय पूरा जो एग्जीबिशन लगा है उसको समझने का प्रयास करता था, मैं कोई टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी तो नहीं हूं लेकिन समझने की कोशिश कर रहा था, ये देख करके मुझे लगा है कि मैं सरकार में तो सूचना करने वाला हूं कि हमारी सरकार के सभी विभाग, उसके सारे अधिकारी जरा देखें कहां कहां इसका उपयोग हो सकता है ताकि सरकार की नीतियों में भी इसका असर नजर आना चाहिए. मैं देश के स्टूडेंट्स को भी चाहूंगा कि 5 दिन तक ये एग्जीबिशन चलने वाला है. मैं खास करके टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टूडेंट्स से आग्रह करूंगा कि आप आइए, इसे देखिए, समझिए और कैसे दुनिया बदल रही है. और आप एक बार देखेंगे तो अनेक चीजें नई आपके भी ध्यान में आएगी, आप उसमें जोड़ सकते हैं.